subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. हेलो दोस्तों, मैं काजल शोयरिश्ता क्या कहलाता की लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे काम नहीं चलने वाली है एक चाल, जिस चाल में कार्तिक और नायरा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ा हो जाएंगे और नायरा पूरी तरह से टूट जाएंगे। जी हाँ, अगर रिसेंट ट्रैक में देखा जाए तो रिसेंट ट्रैक में नायरा और कार्तिक दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वही दामिनी इस सिचुएशन का अच्छी तरह से फायदा उठाती है और अपने साथी को सिंघानिया हाउस में भेज देती है नायरा के सामान को चेक कराने के लिए, जहाँ किसी एक को मिल जाता है नायरा का एक ऐसा सच जिस सच से दामिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो सच नायरा की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट से नायरा अब होने वाली है कोर्ट में जलील, क्योंकि कार अब कार्तिक के पास ही जाने वाला है। दरअसल एक लीडिंग वेबसाइट से खबर आ रही है कि दामिनी कोर्ट में पहुंचेगी वेल कॉन्फिडेंट के साथ, और इस कॉन्फिडेंट का जवाब अब वो कोर्ट में देने वाली है जब साफ के सामने जब नायरा कह देगी कि माँ की पावर अलग होती है। तो देखना ये है कि इस बार माँ की पावर जीतेगी या फिर दामिनी के हथकंडे, जिस हथकंडों को इस्तेमाल करके वो नायरा को भरी कोर्ट में प्रेषित करने वाली है और पुराने किस्से लेकर आने वाली है, पुराने अतीत लेकर आने वाली है, जिसका फायदा अब सिर्फ दामिनी उठाएगी और दामिनी कायरव को कार्तिक की झोली में दे देगी, और कार्तिक और कायरव एक हो जाएंगे तो नायरा बेसहारा हो जाएगी, और टूटी हुई नायरा का साथ कैसे कार्तिक देगा और भरे अदालत में कार्तिक कैसे सुनेगा नायरा के खिलाफ ये कड़वी बातें। आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.